पोहा पापड़ बनाने के लिए हमें चाहिए पोहा। यहाँ पे मैंने आधा किलो पोहा लिया है, मोटा वाला, जो कांदा पोहा का पोहा रहता है वो वाला पोहा लिया है मैंने। पोहा को मैंने अच्छे से साफ कर कर छन्नी से भी अच्छे से साफ किया है। इसके बाद हमें चाहिए पापड़ खार। यहाँ पर मैंने एक चम्मच पापड़ खार लिया है, इससे पापड़ बहुत अच्छे से फूलते हैं। लवंग काली मिरी दोनों मैंने 7 से 8 लिए। जीरा एक चम्मच, हींग लिया है मैंने आधा चम्मच से कम, नमक स्वादानुसार और खाने का सोडा लिया है आधा चम्मच से कम। सबसे पहले हम पोहा को भून लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई लिए, गैस ऑन कर दिया है। अभी हम इसमें पोहा डालेंगे। पोहा को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए एक 7 से 8 मिनट भूनेंगे। इससे अच्छे से पोहा हमारा कुरकुरा हो जाएगा। पोहा हमारा हल्का सा कुरकुरा हो चुका है। हाथों पर लगाने से ये थोड़ा सा गर्म रहता है, इस तरह से होना चाहिए। ज़्यादा भी हम इसे नहीं भूनेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अभी हम गैस बंद कर लेते और इसे ठंडा होने देते। पोहा हमारा ठंडा होने तक हम लवंग और काली मिरी को कूट लेते। हम इसे थोड़ा सा दरदरा कूटेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे दरदरा कूट लिया है। अभी हम इसे साइड में रखते हैं। पोहा हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अभी हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और इसकी बारीक पाउडर हम बना लेते हैं। इसे में हम जीरा डालेंगे और इसे भी हम बारीक पीस लेते हैं। पोहा की अच्छे से पाउडर हो गई है। अभी हम इसे छान लेते। ये ऊपर का जो बचा हुआ मोटा है हम इसे निकाल लेते थे। इस तरह से मैंने सारा पोहा को मिक्सी के जार में अच्छे से बारीक पीस लिया है। अभी हम इसमें लवंग और काली मिरी डालेंगे जो हमने कूट के रखी थी। इसके बाद हींग, नमक स्वादानुसार, पापड़ खार, खाने का सोडा। अभी हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं। आटे को गूंदने के लिए हम पानी गरम कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 2 ग्लास पानी ले रही हूँ और इसे अच्छे से हम गरम करते हैं। पानी को हम अच्छे से उबाल आने देते हैं। पानी को अच्छे से उबाल आ गया है। अभी हम गैस बंद कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मूसल लिया है। अगर आपके पास मूसल ना हो तो आप क्या कीजिए, ये जो हमने आटा बना लिया है उसमें गर्म पानी डाल के उसे अच्छे से गूंद के फिर मिक्सी के जार में थोड़ा सा आटा डालकर आप बना सकते हैं पापड़। थोड़ा सा आटा हम पापड़ को लगाने के लिए रखते हैं। अभी हम गर्म पानी इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी अच्छे से गर्म होना चाहिए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका पहले हम आटा बना लेते हैं। अभी हम इसे अच्छे से कूट लेते हैं। आटे को हमने अच्छे से कूट लिया है। अभी हम इसके गोले बना लेते हैं। आटे को हम पहले हाथों से इस तरह से अच्छे से मसल लेते और इसका गोला हम बना लेते। अभी हम इसे सूखे आटे में लपेट लेते और इसे हम बेल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम सारे पापड़ बना लेते। ये देखिए, इस तरह से मैंने पोहा पापड़ बना लिए। आप साइज अपने मन के अनुसार छोटी बड़ी कर सकते हैं। अभी हम इस पापड़ को 2 दिन कड़ी धूप में अच्छे से सुखा लेते। पापड़ को मैंने 2 दिन कड़ी धूप में अच्छे से सुखा लिया है। लवंग और काली मिरी डालने के कारण इसका कलर थोड़ा सा काला दिखता है,
पर इसे फ्राई करने के बाद इसका कलर येलो आ जाता है। अभी हम इसे तेल में फ्राई करते हैं। तेल को मैंने पहले से गरम करने के लिए रख दिया था। पापड़ फ्राई करने के लिए तेल अच्छा गरम होना चाहिए। तेल अच्छे से गरम हो चुका है, अभी हम इसमें पापड़ डालेंगे। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे। ये देखिए हमारा पापड़ कितने अच्छे से फूल गया है। साइज इसकी फूलकर डबल हो गई है। अभी हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए पापड़ फ्राई करने के बाद इसका कलर येलो आ जाता है और साइज भी देखिए फूलकर डबल हो गई है। इसी प्रकार हमें सारे पापड़ को फ्राई करते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से फूल गए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने पापड़ को फ्राई किया है। बहुत अच्छे से पापड़ हमारे बन चुके और फूलकर भी दुगने हो गए। आप इस तरह से पापड़ बनाकर एक साल तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल ही ख़राब नहीं होते। जैसे जैसे ये पापड़ पुराने होते जाएंगे और भी फूलते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से बने हैं क्रंची। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। इसे बनाना भी बहुत आसान है। सभी पापड़ में ये पापड़ बहुत इंस्टेंट बनते हैं और इसे बनाना भी उतना ही आसान है और खाने को तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।